फिलहाल तो मैं एक इवेंट के लिए तैयारी कर रही हूँ, कलर्स का गणपति इवेंट आ रहा है, विच आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट। मेरा शो भी आई एम होपिंग शायद सितंबर रिलीज है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है एंड ऑफ अगस्त भी आ जाए, बट जहाँ तक मुझे पता है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आएगा। सो इट्स गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग मंथ। इट्स अ शो दैट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट। मैं बहुत आई एम क्वाइट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एक्चुअली, क्योंकि इतने 1.5 साल के बाद आना, कुछ सोच समझ के आ रही हूँ। सो इट्स या इट्स अ शो दैट आई एम क्वाइट लुकिंग फॉरवर्ड टू। ये शेरदिल शेरगिल और मनमीत शेरगिल, बेसिकली शो का नाम शेरदिल शेरगिल है। कुछ लोगों के लिए बड़ा सा ट्रिकी भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टाइटल है। और ये कहानी है मनमीत शेरगिल की और राजकुमार यादव की। आई थिंक इट्स अ शो जो मुझे बहुत इंस्पायर किया कि मैं ऐसा कुछ करूँ, ऐसा शो करूँ। जो कैरेक्टर है मनमीत शेरगिल, बहुत ही चैलेंजिंग है। या एक्चुअली आई वॉन्ट एवरीबडी टू वॉच इट एंड गिव मी द रिव्यूज। इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी शो। और हमारे टीवी शोज़ में आजकल ऐसे शो देखने को मिलते नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा एक लाइट हार्टेड शो ज़रूरी था टीवी पे आना, और वो आ रहा है। ये शो को जिस तरीके से हम ट्रीट कर रहे हैं वो थोड़ा सा इन द वेब स्पेस है, बहुत ही रियल है। रियलिज्म पे हम वर्क कर रहे हैं। एवरीबडी इज बीन वेटिंग विद बेटेड ब्रेथ फॉर शेरदिल शेरगिल। हम बहुत जल्द आ रहे हैं, उससे पहले हम कलर्स के गणपति इवेंट को लेके आएंगे, महोत्सव को लेके आएंगे आपके सामने। एंड या थैंक यू फॉर ऑल द लव ऑलवेज। यस, कैसे हैं? नया शो आ रहा है आपका? नया शो आ रहा है मेरा, यस, शेरदिल शेरगिल आ रहा है। एंड होपफुली इस मंथ एंड में या सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक, आई एम होपिंग मेरा जो बर्थडे मंथ है हमारे लिए लकी हो। एंड या मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली। बहुत ही फन, इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग कॉमेडी, रोमांटिक, सारे काइंड्स ऑफ जॉनर्स हैं शेरदिल शेरगिल में।